ओके पीपल, वी आर गोना स्टार्ट लाइक दिस. तो ओनली आई एम ऑन माय पीरियड्स, तो ज़्यादा कुछ बोलने का मन नहीं था. और मैं जिम से आ रहा हूँ, बहुत भूख लग रही है मुझको. मेरा पूरा ध्यान अपने खाने पे रहेगा. तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो को कुछ अलग ही आने वाला है, नहीं, बस मैं अलग अलग चीज़ें खाते हुए आऊँगा, बिकॉज आई वॉज वेरी हंग्री. पर मैं अपने जिम से बिल्कुल रोनी सी हालत में वापस आया था. ये गनीमत है कि मैं वहाँ पर नहीं रोया, बस इतनी सी गनीमत है. आज तो ऐसा लग रहा है कि युद्ध ही जीत के आया हूँ मैं. पता नहीं कैसे चले, कैसे गया मैं. छुट्टी करनी चाहिए थी मुझको, पर वो है ना कि अब मैं डेली जाता हूँ तो फिर से आदत हो गई है. बिना उसके अच्छा नहीं लगता. सी अभी मैं थक गया इतना सा बोलते हैं. तो फिर पेस्ट्री वॉज वेरी नाइस, अभी भी रखी है थोड़ी सी, पूरी एकदम खाई नहीं है मैंने. देख लीजिए कैसे फट फट चीज़ें चट करता होता हूँ मैं. कोई ध्यान नहीं है मेरा, मैं देख रहा था मॉडर्न फैमिली. और इट इज़ फाइन, इट इज़ बिल्कुल फाइन, बिकॉज आई एम ऑन माई पीरियड्स एंड इट इज जस्टिफाइड. एवरी एक्शन ऑफ माइंड इज जस्टिफाइड. कुछ भी कर सकते होते हैं इस टाइम पर, लाइक लोगों को हर्ट करना छोड़ के. थोड़े बहुत ऐसे हाइपर भी हो सकते हैं, पर उसमें लोग हर्ट नहीं होते, लोग थोड़ा समझते होते हैं. आई गेस आई होप कि लोग समझते होते, मेरे आसपास वाले समझते होते हैं. उतना ही चाहिए होता है ना हमको. कोशिश करें कि आपके आसपास वाले भी समझें. हाँ क्या रे, मैं पैर दुख रहे हैं मेरे बहुत ज़ोर से. सब भी दुख रहा था वैसे तो, पर अब ये जो डंडा मैंने ले लिया है चैलेंज का, इट इज़ गोइंग रियली वेल. मतलब कभी कभी तो ऐसे समझ में नहीं आता होता कि अब जो बता रहा हूँ मैं कि इमोशनल वैसे ही हूँ या फिर वो स्पिरिट्स है इसलिए इमोशनल हूँ. मोमोज, क्या मस्त मोमोज थे, देख के फिर से याद आ गए खाने की. Fabulous. क्या बता रहा था मैं, पीरियड्स में यही बढ़िया बढ़िया माहौल बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, अजीब सा ही रहता है. अब पर ये वीडियो बनाने का है क्योंकि 100 days बाद प्राउड भी तो होगा ना मैं कि मैंने किया ये चीज़. कुछ तो मेरा भी ध्यान चले गया यार, खुद को ऐसे मोमोज खाते हुए देख के. कोई कहीं ध्यान नहीं था मेरा, वो मोमोज बहुत अच्छे थे. जिस शॉप के मोमोज में लेके आया था वाह, पर मेरे को बहुत इंतज़ार करना पड़ा था. ये सब मैं ही लेके आया था, कोई नहीं लेके गया था मेरे को. एक मैसेंजर ऐसे असाइन कर देना चाहिए पीरियड्स वाले टाइम पे लड़कियों के लिए कि वो 24/7 जब जब चाहिए तब तब बस ऐसे मन में ध्यान करो और वो इंसान आ जाए. और पानी का ग्लास से लेके बाहर से कुछ मंगाना है वो सब करने के लिए तैयार हो. मेरे तो आज ऐसे सच बता, जिम तो जाना है पर ऐसे कपड़े पहनने में मौत आ रही है. आधे घंटे में मैंने कपड़े चेंज करे हैं, आधे घंटे में ऐसे सिसक सिसक के. इट्स नो फन गाइस, इट्स नो फन एट ऑल. मतलब किसी को अगर ऐसे लगता हो इतना भी क्या, वो बात बिल्कुल सही है. नो यूट्रस, नो ओपिनियन. घर पे अलग से केयर फैसिलिटी होनी चाहिए जो कि पूरे घर के सदस्यों को मिलके बनानी चाहिए पीरियड्स के टाइम पे, कि एक तो स्टीयर क्लियर ऑफ इमोशंस से थोड़ा हो सकते हैं. जैसे अपने काम से काम करने दो सामने वाले इंसान को, और काम ज़्यादा करने मत दो, पढ़ाए पढ़े रहने दो. उठ के आए सामने वाला इंसान, उठ जा रहे हो तुमको क्या, उठने का वैसे बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मेरा तो. वाह हैप्पी आई वाज, वेरी हैप्पी. पर वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गए थे, 4 ही आए थे बस मोमोज. बाकी अभी मेरी चीज़ें रहती हैं तो मैं तो अपनी चीज़ दिखाऊंगा ये वीडियो अपलोड करने के बाद. आप लोग भी मजे करिए अपनी लाइफ में. इट्स अ फन जर्नी 100 days का, एक्साइटिंग है ये. पर अभी नींद आ रहा है थोड़ा थोड़ा बोलते बोलते से. तो मैं तो जा रहा, शुगर हाई हो गया. टाटा, मैंने आज तक एंड इट वुड बी नाइस. सी अब तो मेरे को ऐसे देख के भी कैमरे की तरफ नहीं बोलना पड़ रहा, तो मैं बस बोल ही जा रहा हूँ कुछ भी. Hush, little baby, don't you cry. Papa's gonna buy you a mockingbird. मैं मॉर्निंग फैमिली देख रहा था
उसमें ग्लोरिया गा रही थी, दैट्स व्हाई इट इज साउंडिंग लाइक दिस।